नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड्स यू इन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश बोन्स रीजनल टी20 का मैच नंबर 10, जो कि दोस्तों में खेला जाएगा SES में से NOD टीम्स के बीच। डी प्लान करेंगे इस रूम फुल स्टेपस इन्फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको कुछ वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, जो हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक को रखना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 26,500 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ फेक चैनल भी बने तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के 26,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच शाम में 6:15 से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है द ओवल लंदन के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं पिच की, दोस्तों इसके ग्राउंड पर टोटल अब तक जो डोमेस्टिक के T20 के मैचेस हुए 62 मैच हुए हैं। 25 मैच बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं, 36 मैच बैटिंग सेकंड ने जीते हैं और एक मैच दोस्तों यहाँ पे टाई रहा है। फर्स्ट इनिंग का दोस्तों यहाँ का जो एवरेज स्कोर है 161 का है। तो देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे मेंस के मैचेस भी शामिल हैं, तो यहाँ पे वुमेंस का मैच होने वाला है तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं देखेंगे आप। 140-160 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं इस ग्राउंड में। दोस्तों, जो पेसर्स हैं उनको शुरुआती ओवर्स में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ओवरऑल विकेट बैलेंस भी अप करता है, क्योंकि शुरुआत के 3-4 ओवर के बाद बैटिंग को थोड़ा सा ईजी हो जाता है। स्कोरिंग पैटर्न भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, ज़्यादातर जो स्कोरिंग हुई है ना 150 से नीचे 22 बार स्कोर हुआ, 150 से 170 के बीच 17 बार हुआ, 170 से 189 के बीच 8 बार और 190 के ऊपर 15 बार स्कोरिंग हुई है। लेकिन आप ज़्यादा तो स्कोरिंग देखेंगे ना 150 से नीचे और 150 से 170 के बीच में, इस दो में ज़्यादा स्कोरिंग हुई है, तो आप इसी रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। तो आप बैलेंस विकेट के हिसाब से अपनी टीम को क्रिएट करिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों SES से। 3 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 2 हारे हैं। शुरुआत के दोनों मैच टीम हार गई थी, लेकिन लास्ट मैच से विन करके आ रहे हैं। ऑन द पेपर इनकी टीम काफ़ी अच्छी है, पता नहीं 2 मैच शुरुआत के कैसे हार गए। और यदि लास्ट मैच में स्पेशलिस्ट टीम की जो स्टार ऑलराउंडर है LS कैप्सी, इन्होंने वापसी की, हालांकि बॉलिंग नहीं कराई थी, 24 रन बनाए, तो उनके आने से टीम को थोड़ा सा और बूस्ट मिला है। लेकिन ऑन द पेपर ये टीम भी तगड़ी है, हालांकि जो सामने वाली टीम है वो अपने दोनों मैच जीत के आ रही। SES की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे, ब्रेंडोनी स्मिथ उनके साथ ओपन करने आएंगी, यहाँ पे एलिस क्रैस्टोन। यदि बात करें दोस्तों स्मिथ की, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ्रेक डालती हैं। अब लास्ट गेम में 38 किए थे, उसके पहले 83 किए थे, उसके बाद 18 किए थे, तो दो अच्छे स्कोर हैं आखिरी एक मैच में। लेकिन जिनका प्लस पॉइंट है 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग उन्होंने सारे मैच में कराई है, तो आप इनसे 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग कन्फर्म देखेंगे, प्लस ओपन करेंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी अच्छे ऑप्शन है। यहाँ से एलिस क्रैस्टोन जो है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम खेले थे 8 रन किए, रिसेंट का जिनका परफॉर्मेंस रहा है ना उतना कुछ खास नहीं रहा, तो आप इनको ऐसे एप्लीकेशन में ट्राई कर सकते हो जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी होते हैं, बाकी एवरेज ऑप्शन नहीं है, स्मॉल लीग आप छोड़ सकते हैं। LS कैप्सी तेज खेलती हैं, राइट हैंड बैट्समैन है, इंग्लैंड के लिए भी खेल चुकी है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कर सकती हैं, लेकिन अभी लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, 24 रन रेटिंग से किए, लेकिन रिसेंट में जो मैचेस खेले वहाँ पर इन्होंने लगभग सारे मैचेस में बॉलिंग करा हुआ है। तो मेरा सजेशन है अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर लेके जाएं। CBC आप इनको ग्रांड लीग के अंदर बनाइए, क्योंकि कभी भी बॉलिंग कर सकती हैं। फोबे फ्रेलिंग की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, मीडियम पेस बॉलिंग डालेंगे, लास्ट के 3 मैच हुए हैं 30, 21 और 53 किया हुआ बैटिंग से, बॉलिंग भी हर मैच में 3 से लेकर 4 ओवर की हर मैच में कराई हुई है और हर मैच में इनको 1-1 विकेट मिला हुआ है, तो आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए देखेंगे, प्लस 2 रन बैटिंग करेंगे, CBC का अच्छे ऑप्शन है। टास्क फ्रंट की बात करें, 3 मैच में अब तक 1 भी ओवर की बॉलिंग नहीं डाली, तो एवरेज पिक रहेंगे, हालांकि बॉलिंग अच्छी खासी करते हैं लेकिन रिसेंट टर्म बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए एवरेज रहेंगे, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। पीसफुल फील्ड की बात करें, सारे मैचेस में आखिरी के 2 गेम में 4-4 ओवर पूरे डाले, उसके पहले 2 ओवर डालते, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इनसे 4 ओवर पूरे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, बैटिंग से भी तक हालांकि इस टूर्नामेंट में कोई बड़ा स्कोर नहीं आया, इस सीरीज से पहले इनके बैटिंग से आंकड़े अच्छे थे लेकिन वो 50 ओवर फॉर्मेट में थे, तो अभी तक T20 में अपने को उस हिसाब से नहीं डाल पाई हैं, लेकिन फिर भी बॉलिंग अच्छा खासा करके जा रही हैं, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर आप जरूर ट्राई करिएगा। एडिबर्सन रिचर्ड्स की बात करें, राइट हैंड मीडियम डाल सकती है, राइट हैंड बैट्समैन है, बैटिंग से भी उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, 1 मैच में 24 रन आए, बाकी 2 ओवर के आसपास बॉलिंग कर सकती हैं, तो रोटेशन लायक ऑप्शन ये भी आपके लिए हो सकते हैं। किरा चैथली को आप छोड़ सकते हो, सामने वाली टीम की बैट ज़्यादा अच्छी रहेंगी। इस टीम की जो एक और बॉलर हैं क्लाउडिया कूपर, जो लास्ट गेम खेली थी 3 ओवर डाले, रिस्की रहेंगी, ग्रैंड लीग ट्राई करेगा। डैनी ग्रोगरी लेग ब्रेक बॉलर हैं, 2 मैच में 2-2 ओवर डाले हैं लेकिन अभी तक विकेट 1 भी नहीं मिला, आप इनको भी छोड़ सकते हो। फ्रेड ओबिस एक अच्छी बॉलर है लेकिन अभी तक विकेट नहीं मिला, आखिरी की जो मतलब इस टूर्नामेंट में जो 3 मैच खेले हैं सिर्फ 1 ही विकेट ले पाई हैं, लेकिन आप बैक कर सकते हो, अच्छी ऑप्शन है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है। लास्ट मैच में को सोफिया टंकली ने मिस किया था, ये खेलेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी बेंच में जो प्लेयर है शायद कोई ना खेले, क्योंकि इसी लाइनअप से लोग लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं, तो हो सकता है सेम प्लेइंग 11 आपको सेम बैटिंग ऑर्डर भी देखने को मिल जाए।
बात करते हैं दोस्तों इस मैच को, मैं दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं दोस्तों हम एनओडी की। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको जो फाइनल टीम इस मैच का मिलेगा, टॉस के बाद हमारी फाइनल अपडेट मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। 26,500 से ज़्यादा दोस्तों ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों एनओडी की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे लॉरेन बेनफील्ड, उनके साथ ओपन करने आएंगे लेट ऑप्शन। बात करें बेनफील्ड की, जो राइट हैंड बैट्समैन है, विकेट कीपिंग भी करेंगे, लास्ट गेम में 0 पे आउट हुए थे, उसके पहले गेम में 98 के थे, कमाल के बल्लेबाज थे, रिसेंट फॉर्म इनका कमाल कर रहा है, अपनी टीम में आप जरूर लेके जाएं विकेट कीपिंग सेक्शन से। ग्रैंड लीग के अंदर आप इन्हें कैप्टन कैप्टन भी कर सकते हैं, और दोनों मैच अपने जीत के आ रहे, और एक मैच में तो वन साइडेड लॉरेन बेनफील्ड ने जिता दिया था, लेकिन लास्ट मैच में ये 0 पे आउट हुई, फिर भी इनकी टीम जीत की गई मैच। लेट ऑप्शन ने लास्ट गेम में अच्छा किया, 41 रन कर दिए, उसके पहले 25 करके गई थी, अच्छी पिक रहेंगी बैटिंग सेक्शन से, ठीक ठाक ऑप्शन है आप ले सकते हैं। दोनों मैच में कुछ अच्छे शॉट उन्होंने लगाए हैं। होली एमरटेज आपको नंबर 3 पे खेलते हुए दिखेंगे, राइट हैंड बैट्समैन है, बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं कराई, दोनों मैच में बॉलिंग से कुछ भी नहीं किया, बॉलिंग नहीं डाली, लेकिन बैटिंग से 27 और 74 के अच्छे स्कोर है, रिसेंट परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा रहा है, लेकिन पार्ट टाइम बॉलिंग भी डाल सकते हैं, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर ट्राई करें। एस्ट्रागैलिस लास्ट गेम में नंबर 4 पर खेले थे, 10 रन किए, उसके पहले तो बैटिंग ही नहीं आया था, नीदरलैंड के प्लेयर हैं तो अच्छी बल्लेबाज, लेकिन नीदरलैंड के लिए बतौर ओपनर खेलती हैं, यहाँ भी टीम नीचे खिला रही और फिर नीचे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकती, एक अच्छी पावर हिटर है लेकिन पावर प्ले भी अच्छे बैटिंग करती हैं, इसलिए एवरेज भी करेंगे आप आसानी से छोड़ सकते हो, नीचे शायद उतना स्कोर ना करें। एक और इस टीम के पास जो विकेट कीपिंग सेक्शन में प्लेयर है बेसित, इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, आप इनको छोड़ सकते हैं, 4 और 8 ही किया हुआ। सीट और रन की बात करें, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 3 विकेट निकाले, पहले गेम में 3 ओवर डाल दी, तो अब 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग देखेंगे, थोड़ा बैटिंग से बैकअप देंगी, तो अपनी टीम में आप इनको भी जरूर लेके जाएं। कैथरीन फ्रेजर भी दोस्त 3 ओवर डाल सकते हैं, जीएम में आप रोटेट कर सकते हो, स्कॉटलैंड के अंडर 19 लेवल के प्लेयर है, लेकिन स्कॉटलैंड के लिए उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेल लिए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। आप समझ सकते हो जैसे इंडिया टीम में शेफाली वर्मा है तो अंडर 19 प्लेयर, लेकिन इंडिया के लिए भी उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, उसी टाइप से कैथरीन फ्रेजर है, स्कॉटलैंड के लिए भी खेलती हैं और अंडर मतलब 19 साल से के अंदर अभी एज भी इनका है, तो एक रोटेशन लायक ऑप्शन ये भी हो सकती है। अबगिल गिल को आप छोड़ सकते हो। लेजी स्कॉट की बात करें, 4 ओवर डालने, 2 मैच में 3 विकेट है, तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए, इनको भी अपनी टीम में जरूर लेके जाइए। कैटी लेवी को भी आप ट्राई कर सकते हो, लेग ब्रेक भी डालेगी और 3 से 4 ओवर आप इनसे भी देखेंगे, और यहाँ से ग्रे साल को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। बेंच में दोस्तों जो प्लेयर हैं लोग शायद खेलते हुए ना दिखें, तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है, आप देख लीजिए एनओडी का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, लेकिन जो हमारा फाइनल टीम होगा जो टॉस के बाद आपको मिलेगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेगा, जहाँ पर 26,500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन करके रखा है, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तो आप भी आगे हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं लॉरेन बेनफील्ड के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में ही अच्छी ऑप्शन है, बाकी के दो उतना कुछ खास मतलब है नहीं। बात करें बैटिंग सेक्शन की, यहाँ से मैंने लेट ऑप्शन को लिया हुआ, हालांकि जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं जहाँ पे 3 बैटर लेने हैं वो लोग इनके अलावा दो ट्राई कर सकते हो, कैनेट स्टोन को ट्राई कर सकते हैं या फिर मतलब एस्टर कैलिस को ले सकते हैं, लेकिन ये सोफिया डगरी खेलेगी तो ये ड्रीम पे भी मस्टर पिक रहेंगी। अभी हम ड्रीम के हिसाब से टीम बना रहे हैं, तो मैंने सिर्फ इन्हीं को लिया हुआ अपनी टीम में। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, यहाँ से सी टोरन, कैप्सी, स्कूलफील्ड, एमरटेज, फ्रेलिंक और नीचे चलोगे तो यहाँ से ब्रोनी स्मिथ, 6 के 6 ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग ऐसे पे खेलें जहाँ पे 4 ही ले सकते हैं तो भाई कि नहीं आप 2 को ड्रॉप कर सकते हो, मैं तो सजेस्ट करूँगा जो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं आप उन्हीं को ड्रॉप कर लीजिए, जैसे एमरटेज बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, इसके अलावा फिर आप किसी और को कर सकते हो, कैप्सी बहुत रिस्की रहेगा, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, लेकिन जो मेरा अदर प्लेटफॉर्म का टीम होगा वो मैं टेलीग्राम पर दूंगा। अभी हम ड्रीम के हिसाब से बना रहे हैं तो मैं 6 के 6 ऑलराउंडर लेके जाऊँगा। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों मैंने फ्रेड डेविस को लिया है, जैसे कैटी लेविक को लिया हुआ है और ऐसे मेरी टीम में लेजी स्कॉट है। अब ग्रेगरी को आप ग्रैंड लीग करना ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बॉलिंग मिल नहीं रहा, कूपर को आप ग्रैंड लीग ट्राई करिएगा। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है ऐसे ब्रोनी स्मिथ को, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे यहाँ से पी फ्रैंकलिन, दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, बी स्मिथ आपको ओपन करके देंगे प्लस आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे, वही दोस्तों यहाँ पे जो फ्रैंकलिन है ये आपको मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करके देंगे प्लस ये भी 3-4 ओवर करने वाली है, तो दोस्तों जो दोनों प्लेयर हैं ना बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाले हैं, स्मॉल लीग के अंदर दोनों बेस्ट हैं। अब ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को तो बनाइएगा ही, इसके साथ साथ जो आप सीबीसी बना सकते हो ऑलराउंडर में सारे ग्रैंड लीग के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन है, तो इन 6 को तो बनाइएगा, इसके साथ आप बॉलर्स में ट्राई कर सकते हो और बैटर्स में, बैटर्स बैटिंग सेक्शन में अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ यदि आप किसी बैट्समैन को सीबीसी बनाना चाहो तो लॉरेन बेनफील्ड को जरूर बना सकते हो, पहले मैच में 98 की थे, अच्छा फॉर्म है, तो अभी स्मॉल लीग की टीम में रह रहने वाला है, लेकिन जिस टीम में कुछ भी अपडेट होता है तो जो मेरी फाइनल टीम होगा जिस टीम से मैं खेलूंगा मैं आफ्टर टॉस अपनी टीम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ पर जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। 26,500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन करके रखा है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं टेलीग्राम पर वीडियो वॉच करने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद।